दोस्तों, हमारे फोन का कैमरा, हमारे लैपटॉप का कैमरा, दोनों का जो होल है वो बिल्कुल बराबर है और ऐसा लगता है कि दोनों कैमरा जो है, दोनों का साइज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में जो है वो जमीन आसमान का अंतर है। आपने भी देखा होगा कि आपके जो फोटोज वेबकैम के थ्रू आते हैं या फिर आपके वीडियोज जो वेबकैम के थ्रू आते हैं वो काफी ज्यादा अजीब से होते हैं, हॉरिबल होते हैं, लेकिन आपके फोन में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छे फोटोज को, अच्छे वीडियोस को कैप्चर कर पाते हैं अपने फोन के थ्रू। और दोनों का प्रिंसिपल भी बिल्कुल सेम है कि लाइट एंटर करता है कैमरा के अंदर और फिर आपका फोटो कैप्चर या फिर वीडियो वहां पे कैप्चर हो पाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि लैपटॉप की क्वालिटी, जो वेबकैम की क्वालिटी है, वो अभी भी वैसी नहीं हो पाई है जैसा कि आपको फोन के अंदर देखने को मिलता है। फोन की क्वालिटी आपको हर दिन, मतलब अभी 4K आप ले पा रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी के साथ आप ले पाते हैं, चाहे वीडियो कैप्चर कर रहे हो, चाहे आप इमेज कैप्चर कर रहे हो, चाहे आप रात में फोटो ले रहे हो, एक आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी फोन के कैमरे के अंदर आपको देखने को मिलती है। लेकिन अभी तक लैपटॉप का जो कैमरा है वो उसी जमाने का चल रहा है जो कि चलता आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा होगी, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके सबसे पहले। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं अंटीग्री, और आपकी इजाजत के साथ आज की कथा प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, अभी तो आपको देखने को मिलता होगा मार्केट में कि ट्रिपल कैमरा सेटअप, डुअल कैमरा सेटअप, क्वाड कैमरा सेटअप, लेकिन आपको ऐसा कुछ लैपटॉप के अंदर देखने को नहीं मिलता। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि जो भी पिक्सल्स के फोन आते थे उसमें आपको सिंगल कैमरे के साथ आपको एक बेहतर तस्वीर देखने को मिलती थी। अगर आप कोई इमेज कैप्चर करते थे तो आपको सिंगल कैमरे के थ्रू ही नाइट मोड हो, पोर्ट्रेट मोड हो, वाइड एंगल शॉट हो, आपको सब कुछ सिंगल कैमरे से देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो मार्केट में है वो आपको क्वाड कैमरा सेटअप या फिर ट्रिपल कैमरा सेटअप वही दे पाता है, वही क्वालिटी आपको दे पाता है जो कि पिक्सल फोन का सिंगल कैमरा आपको दे पाता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वजह कैमरा नहीं है, कैमरा भी वजह है, लेकिन जो आपको यहाँ पे मेन रीजन है उसकी वजह है कि फोटो या फिर इमेज कैप्चर करने के बाद उस इमेज का पोस्ट प्रोसेसिंग, जो कि आपको बेहतरीन देखने को मिलता है पिक्सल्स के फोन में या फिर एप्पल के आईफोन्स के अंदर। और एक तरह से मैं या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सारा कुछ काम करता है एक तरह से अप्रोक्सीमेशन पे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे बुके इफेक्ट होना चाहिए, कहाँ पे आपको ब्लर नहीं करना है, कहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर करना है, ये सारा कुछ एक तरह का अप्रोक्सीमेशन ही तो है। और इसका ही नाम देते हैं AI अप्रोच या फिर कंप्यूटेशनल अप्रोच, जो कि आपको कैमरे के अंदर देखने को मिलता है जब आपका इमेज पोस्ट प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास दिखता है। और फोन के अंदर जो कैमरा लगा हुआ होता है, जब भी उसके अंदर नाइट मोड होता है तो आप एक तरह समझिए कि उसके अंदर जो रोशनी आती है कैमरे के अंदर, उसको बहुत देर तक आने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर आप कोई इमेज कैप्चर कर रहे हैं जो कि क्लिक हो रहा है उसका शटर बहुत ही, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर, लेकिन अगर आप नाइट मोड पे कोई भी इमेज कैप्चर करते हैं तो इस विंडो को बहुत देर तक खुला छोड़ दिया जाता है ताकि जितना भी हो सके वो लाइट उस समय आती रहे। अगर 10 सेकंड का विंडोज खोल दिया जाए तो बहुत ज्यादा वो लाइट कैप्चर कर लेगा रात के समय में भी, ताकि रात में भी आपको एक अच्छा इमेज देखने को मिल जाए। या फिर आपको एक बेहतरीन डायनेमिक रेंज वाला इमेज चाहिए होता है तो बहुत सारे फोन्स मल्टीपल शॉट्स को कैप्चर करते हैं और फिर जाके आपको बहुत सारे इमेज से डिटेल्स निकाल के एक इमेज आपके सामने रख देता है फोन आपका, जो कि एक बेहतरीन डायनेमिक रेंज के साथ होता है। या फिर आप SDR की बात कर ले, जो कि बिल्कुल बेसिक है, जो कि आप खुद भी बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उसे, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। और आप SDR इमेज फोन के अंदर क्लिक तो कर ही सकते हैं क्योंकि फोन के अंदर आपको ऑप्शन होता है, और अगर आपके फोन के अंदर SDR नहीं भी है तो आप SDR कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर। और अगर अगली बात कर ले तो होता क्या है कि जब भी आप का फोन इमेज कैप्चर करता है तो वो ट्रांसफर कर देता है कैप्चर किए हुए इमेज को मेन मेमोरी में, और ये जो ट्रांसफर होता है वो किसी के थ्रू ही ट्रांसफर होगा ना, और ये जो ट्रांसफर करने का जो वायर होता है, मैं इसे वायर ही बोलूंगा ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाए, तो ये जो वायर होता है, कोई भी वायर होता है, अगर आप इथरनेट केबल भी यूज कर रहे हैं तो उसकी भी एक स्पीड लिमिट होती है। तो ऐसे ही हर वायर का खुद का एक स्पीड लिमिट होता है। अगर आप Cat5, Cat5e, Cat6 या फिर आप कोई भी इथरनेट केबल यूज करते हैं तो हर का एक स्पीड लिमिट होता है, और साथ में उसकी दूरी के साथ, खैर मैं क्या बता रहा हूँ ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ये समझे कि जो भी वायर लगा हुआ होता है उसकी खुद की एक स्पीड होती है कि वो कितने स्पीड से कोई भी डेटा जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। तो फोन के अंदर जो लगा हुआ वायर होता है आपके कैमरा से कनेक्टेड होके वो जो मेन मेमोरी के अंदर जाता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, अगर मैं कंपेयर कर लूं लैपटॉप वाले से। यहाँ पे लैपटॉप पे क्या होता है, फिर अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल वेबकैम की या फिर आपका इंटरनल वेबकैम भी जो लगा होता है, स्क्रीन के ऊपर जो बॉर्डर होता है, बेजल्स होता है, उसके अंदर जो वेबकैम लगा हुआ होता है, दोनों ही वेबकैम आपका काम करता है USB प्रोटोकॉल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि आपके लैपटॉप का जो कैमरा या फिर वेबकैम जो एक्सटर्नल वेबकैम है
और वो जो कनेक्टेड है कंप्यूटर के प्रोसेसर से, वो कनेक्टेड है यूएसबी वायर के थ्रू, एक तरह से आप ऐसे समझिए। और यूएसबी वायर की स्पीड आपके फोन में लगे हुए वायर से काफी ज्यादा कम होती है। तो जब भी आप लैपटॉप के वेबकैम के थ्रू इमेज या फिर वीडियो कैप्चर करते हैं तो होता क्या है, वीडियो पहले इनकोड होता है, साथ में कंप्रेस होता है, फिर वो ट्रांसफर होता है आपके लैपटॉप में या फिर आपके पीसी में यूएसबी वायर के थ्रू। और जब ये आपके सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, फिर ये होता है प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद आप देख पाते हैं स्क्रीन के ऊपर अपने आप को या फिर जो भी आप कैप्चर कर रहे हैं वेबकैम के थ्रू। और वेबकैम बनाया भी इसीलिए गया था कि ताकि आप कहीं पे वीडियो कॉल कर पाएं और जो लैग फ्री हो, ताकि आपको कोई लैग ना मिले, चाहे आप कहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो या फिर वीडियो कॉन कॉल है, तो आपको वहां पे कोई भी लैग देखने को ना मिले। और क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूएसबी प्रोटोकॉल है और इसकी स्पीड काफी कम होती है, अगर आपने एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा अपने सिस्टम के अंदर लगा दिया लैपटॉप के अंदर, लेकिन स्पीड जो है यूएसबी प्रोटोकॉल की वो उसको सपोर्ट नहीं करती है, मींस कि जितना डेटा आपका कैमरा कलेक्ट कर रहा है वो उस स्पीड से डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है आपके लैपटॉप के अंदर, तो ये एक तरह से बॉटलनेक कहलाएगा, क्योंकि आपका कैमरा जो है वो काफी बेहतर है लेकिन यूएसबी की वजह से बस वो आपके सिस्टम में ढंग से वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है डेटा, और वो प्रोसेस भी रियल टाइम में नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से आपको एक बेहतर कैमरे के अंदर काफी ज्यादा लैग देखने को मिल रहा है। अगर आपने अभी तक ये सारी बातें समझ ली है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक बहुत बेहतरीन कैमरा अपने लैपटॉप के अंदर लगा दिया, एक बहुत ही बेहतरीन वेबकैम जो कि बहुत अच्छा इमेज कैप्चर करता है और डेटा भी इसकी वजह से काफी ज्यादा कलेक्ट करता है आपका वेबकैम, लेकिन यहां पे पहली बात यूएसबी की वजह से आपका जो है यहां पे बॉटलनेक हो रहा है स्पीड, दूसरी वजह कि आपके प्रोसेसर को काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोसेस करना पड़ रहा है, और अगर आपका सिस्टम पुराना है तो यहाँ पे आपको लैग देखने को मिल सकता है। और वहीं यहाँ पे अगर अगले कंडीशन की बात कर ले कि आपका जो वेबकैम है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर हो पा रहा है यूएसबी वायर के थ्रू, और आपका सिस्टम भी जो है वो एकदम रियल टाइम में तुरंत का तुरंत उसे प्रोसेस कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपको लैग देखने को नहीं मिल रहा है। तो कैमरे की लो क्वालिटी की वजह से यहाँ पे जो मेन पर्पस था इस कैमरे का, ताकि वीडियो कॉल आप कहीं पे कर पाए लैग फ्री, यहाँ पे बस लो क्वालिटी कैमरे की वजह से ये पूरा हो पा रहा है। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि आपका सिस्टम काफी अच्छा होता है और आपके यूएसबी वायर की स्पीड जो है वो तो उतनी रहती है, लेकिन आपका कैमरा जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बकवास सा कैमरा रहता है जो कि काफ़ी लो क्वालिटी का या फिर कह ले तो काफ़ी कम डेटा कैप्चर करता है, और इससे ज़्यादा वो डेटा कैप्चर कर सकता था ताकि आपकी इमेज बेहतर आ सके। इसकी वजह होती है कॉस्ट कटिंग, क्योंकि जो भी फोन्स होते हैं उनका मेन मतलब उनका मेन फोकस होता है किसी भी ब्रांड का, किसी भी ब्रांड के फ़ोन का, कि उनका कैमरा बहुत ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि लोग फ़ोन भी परचेज करते हैं वो फ़ोन के कैमरे को देख के परचेज करते हैं। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, लैपटॉप में वेबकैम मतलब सेकेंडरी कह ले या फिर टर्शियरी कह ले बहुत कम यूज होता है वेबकैम का। वेबकैम के थ्रू कभी भी लैपटॉप को अपने हाथ में लेके सेल्फी नहीं लेते हैं, और साथ ही आपका फोन जो है वो अभी के समय में मैक्सिमम काम कर देता है, चाहे वो वीडियो कॉल करना हो या फिर आपको सेल्फी लेना हो या फिर कहीं पे इमेज कैप्चर करना हो। इसी वजह से वेबकैम की क्वालिटी पे आजकल के ब्रांड्स जो है वो ध्यान भी नहीं देते हैं ज्यादा, चाहे वो एप्पल का मैकबुक ही क्यों ना हो गया। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपके वेबकैम की क्वालिटी जो है, या फिर आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप के थ्रू ही कहीं पे बेहतर वीडियो क्वालिटी के साथ कहीं पे आप कॉल करना चाहते हैं, तो आप अलग से एक एक्सटर्नल वेबकैम ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं उन सारे अच्छे वेबकैम्स का, जिससे कि आप एक अच्छा वीडियो कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप कहीं पे वीडियो कॉल करें तो उसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो, मैं उन सारे का लिंक नीचे दे दूंगा। तो मुझे लगता है कि जितना मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों बस इतना था आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।